मोटरवे के बाद मैंने थोड़ी सी ब्रेक ले ली थी, मैं सो गया था। अब सवाल तो एंटर होने से पहले हम लोग आए हैं चकदरा। चकदरा में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो कि डैट इज़ वेरी क्लोज टू अवर हार्ट, और मैं आप लोगों को भी आज इसका पूरा टूर देता हूँ। पहले बहुत पहले सवाल की हमने टूर में यहाँ का खाना दिखाया था, खाना ट्राई किया था। दैट इज़ वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट रेस्टोरेंट्स इन पाकिस्तान। आज ईद का तीसरा चौथा दिन है और रेस्टोरेंट जो है ना वो भी बस खुला ही है, ओपन हुआ, तैयारी शैयारी चल रही है। मैं आपको रेस्टोरेंट तो दिखाता हूँ, ये ट्रेडिशनल यहाँ का जो लोकल स्टाइल है उस तरह का बना हुआ, लेकिन इसकी सबसे स्पेशल चीज़ है इसका किचन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन भाई। और ये अस्सलाम वालेकुम जी हाजी ताज साहब जो इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, और माशाल्लाह कितने सालों से रेस्टोरेंट चला रहे हैं सर? ये 30 साल हो गए। जबरदस्त। हम लोग इतना आपके खाने को पसंद करते हैं कि कभी कभी लाहौर से स्पेशल ये प्लान बनाते हैं कि इधर से सिर्फ खाना खा के और वापस आए। अब हम जा रहे हैं कुमराट, लेकिन हमें शौक था कि खाना इधर से ही खा के जाएंगे। ये किचन है, और सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि जो बाहर वाली स्पेस जितनी साफ थी ना, ये उससे भी ज़्यादा साफ है। मुझे खुद अंदर आते हुए हो रहा था कि यार मैं साफ़ सुथरा हूँ कि नहीं हूँ। ये जितना माशाल्लाह किचन में सारे SOPs पूरे हैं, एवरीथिंग। इवन दो कि अगर आप रूफ़ देखो ना, खाना जब पकता है ना, अक्सर वो जो रूफ़ होती है उस पर निशान पड़ते हैं, रूफ़ तक साफ़ है। अच्छा सर बताएं, सबसे पहले ये क्या चीज़ है? ये पुलाव है। पुलाव है जी। अच्छा, इसको दम लगा हुआ है अभी? जी दम। अच्छा अच्छा, फिर जब दम ख़त्म होगा फिर इसको खोल के देखते हैं। ये वाला जो सारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये सारी ग्रिल है, इस तरफ जो है वो तंदूर है, और ये सारा जो है ना वो कुकिंग का पार्ट है। अभी थोड़ी देर में चीज़ें तैयार होना शुरू होती हैं ना, तो फिर आपको दिखाते हैं। और कैसे हैं आजी साहब? कैरियर से ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? कैसे हैं? ठीक है। अच्छा भाई, ये जबरदस्त। ये जगह होती है, हम कोई प्लान करके इनसे कोऑर्डिनेट करके नहीं आए थे, और हम बस अभी अचानक आए एंड वी जस्ट वॉक्ड इन। और आप देखें कि हर चीज़ कितनी साफ है, ये बर्तन देखें, एवरीथिंग इज़ लाइक पिक्चर परफेक्ट। ये तंदूर है ना, ये जी बेकरी है, तंदूर का सिस्टम है यहाँ पे सारा। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? आप इस बेकिंग पॉट को देखें, इसके अंदर बुखारी नान तैयार होते हैं जो यहाँ पे इसके नीचे पड़े हुए हैं। और जो लोग खुराक महल का खाना टेस्ट कर चुके हैं, देखिए बिल्कुल ये सेंट्रल एशियन टाइप की ब्रेड है, वही स्टाइल है खाने का। जो लोग यहाँ का खाना ट्राई कर चुके हैं उन्हें पता है कि इसका बड़ा एक यूनिक फ्लेवर है, यूनिक टेस्ट है, और वो आपको यहाँ आके ही मिलेगा। अजी साहब, आपका सबसे मशहूर चीज़ क्या है? सबसे बुखारी पुलाव है, सीख टिक्का, दम पोहे, ठीक है, नमकीन, मटन कोरमा, ठीक है, हर चीज़ इधर बस अच्छे है, हर चीज़ खास अगर है। मिर्ची अगर तक्के, मटन बारबेक्यू, ये सारे बस अच्छे है। पाँच महीना कम 30 साल 1994 के इब्तदाए, तो इतना साल की ये कुक में खुद है। अच्छा अच्छा, ये सारे डायरेक्टर, एक अगर सफाई, अगर खाना बनाएगा, अगर नान बनाएगा, अगर बारबेक्यू बनाएगा, ये मैं खुद डायरेक्टर है। आई साहब एक ही ब्रांच है आपका? एक मानसरा है, मानसरा में क्याम उताम के। अच्छा अच्छा, उधर हमारा बेटी है अबू बकर, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मलकन खुराक महल, मलकन खुराक महल के नाम से। सही सही। तीसरा ब्रांच मंगावरा बाईपास के स्वाद के, एक ब्रांच लाहौर में भी खोले हैं इंशाल्लाह के इरादे। जरूर। रेस्टोरेंट का स्टाइल तो ऐसा ही मज़ा कराता है, देखें सारे अपना अपना चिल कर रहे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और जगह बहुत साफ साफ जगह के ऊपर आके ना, एक तो आपको वैसे ही आप कम्फर्टेबल एक्स्ट्रा हो जाते हैं, फिर आपको ज़रा यू नो यू फील योर सेल्फ एट होम। अब यहाँ बैठ के खाना खाते हैं या टेबल पे बैठ के खाते हैं, ये वैसे मुझे ज़्यादा ये वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। अगर जो भी ला रहे हो दो ला लो। ड्रिप लगी हुई है, ये बीफ कबाब लग रहा है, और बनने के बाद तो ये जितना टेस्टी होता है, लेकिन आप देखें कि ये अभी पड़ा हुआ है, इसकी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत लग रही है। जस्ट लुक एट द सिमेट्री एंड साइज, और किस तरह से वो सीखों के अंदर खूबसूरत तरीके से परोए हुए। Oh, 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 oh
तैयार हो गया हुआ है, इसके ऊपर से हमने कवर हटाया, मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करें किस कदर खूबसूरत इसके कलर्स लग रहे हैं, इसकी डिटेल्स। ये जीरे, अच्छा ये जीरे, ये पाकिस्तान के नहीं मिल गए, डायरेक्ट अफगानिस्तान एक सूबा है बदख्शान। हाँ हाँ बदख्शान, उधर से मैं उधर से मंगवाया। हाँ ये कितने किलो का है ये? हाँ जी 10-10 किलो, 10-10 किलो। इसमें भी, इसमें भी पला, ये भी पला हुआ है, जबरदस्त जबरदस्त। ये आयल ज्यादा है नहीं? हाँ, एक में सारी दोबारा निकालो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसको उसकी वजह से जो बुखारा उज़्बेकिस्तान है उसकी वजह से बुखारा पुलाव बोलते हैं, समर का बुखारा उसकी वजह से ना, वो सेंट्रल एशियन वो ओरिजिन होने की वजह से, वो रेसिपी और स्टाइल होने की वजह से इसको बुखारा बोलते हैं। और मीट यार इतना टेंडर है, आप वो देखिए नीचे जो है ना इसका ऑयल बैठा हुआ है, उसकी वजह से मीट जो है ना वो बिल्कुल चमक रहा है। ये बुखारा वाला नहीं, वो इतना अच्छा नहीं बनाएगा जितना हम बनाते हैं, ये हमारा खुद जरा साइंस ही नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ देयर आर एट टाइम्स जब खाना इतना हाई स्टैंडर्ड का, इतनी हाई क्वालिटी का होता है कि वो सेल्फ डिफाइनिंग में बहुत आगे चला जाता है। अब अभी इसको मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ बिल्कुल कि यार ये कितना बिल्कुल रिच फ्लेवर वाली चीज़ लग रही है। अब भाई साहब इस पे डालेंगे ये इसकी टॉपिंग्स होती हैं, और ये मैं आपको बताऊँ कि ये आपके फेवरेट डीजल एलसी यहाँ खड़ी हुई है, ये दम पुख्ता मुद्दे की चर्बी है। हाँ जी हाँ जी, ये चर्बी से सजा हुआ दम पुख्ता है, वो इनका एक तो स्पेशलिटी भी है। एंड आई कैन से दिस ऑन वर्ड कि ये दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट इन कंट्री, दी बेस्ट इन कंट्री, पॉसिबली जितना बेस्ट कोई इंसान बना सकता है, ये इसको सफाई नफासत और प्यार से बना। अच्छा ये ऑयल अब इसमें से निकाल देंगे। सही सही सही, अगर ऑयल कमी ये चलेगा। अच्छा 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 अच्छा, ज्यादा डालो दोबारा निकालो। तैयार हो रही है, पुलाव इधर आ गया, बारबेक्यू वहाँ पे रेडी हो गया, इधर से जो है वो रोश निकलेगा। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस खाने को देख के सब्र किया कि फल ऐसा मीठा होगा कि मिसाल आज जिंदा हो जाएगी कि सब्र का फल मीठा है। माशाल्लाह आज साहब ने सारा रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत बनाया है, और इसमें मस्जिद जो है ना वो माशाल्लाह दिल से बनाई हुई है, देख के पता चल रहा है कि बहुत खूबसूरत है। और आगे देखें वो सारा वजू वाला एरिया, उसके बाद उस तरफ वॉशरूम है, ये सारी प्लांटेशन करके ग्रीनरी बनाई हुई है, और जो हट्स हैं वो सारे फैमिली के लिए, फैमिली के साथ आते हैं तो आपको टोटली आपकी प्राइवेट स्पेस मिल जाती है, पूरा कैबिन होता है उसमें, फैमिली आराम से अकेले बैठ के जस्ट लाइक योर प्राइवेट डाइनिंग स्पेस, तो आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं खाना। और अभी आप देखेंगे सारे जो है ना मरीज़ कैसे लेटे हुए, एंड बाय द मोमेंट जैसे ही खाने ने वहाँ से चलते हुए आना ना, फिर मैजिक होना है, खाना यहाँ पर लगाते हैं। ये ज़रा मज़े की फील देने वाली जगह है, प्लस इसका डिज़ाइन ऐसे कि आप सारे एक ही टेबल के अर्द गिर्द जो है ना अकोमोडेट हो। मैं तो पहले हाथ बांध के बैठ गया हूँ, मैंने तो भाई खाना बनते हुए देख लिया, उसकी जो खुशबू है दिल कर रहा है किसी परफ्यूम की बोतल में पैक कर लूँ, नशा टूटे तो पफ मार।
पहले ये हुआ था कि असनैन भाई माशाल्लाह उन्होंने ना पूरा थ्रोटल दिया हुआ था और टांग काफ़ी बड़े साइज़ की, उसको पकड़ना भी मुश्किल हो, इतने ज़ोर और जतन से खा रहे थे मुगीज़ भाई ने। मुगीज़ भाई ना एकदम वो बीफ का पीस था, मुगीज़ भाई एकदम रुके, उन्होंने देखा तो बड़ी ना उन्होंने मासूमाना अंदाज से कहा कि भाई साहब लत पर लवा लो, ने तो फिर लुवाई लो। और भाट साहब ने उनकी बात के ऊपर इतनी हंसी आई सबको, भाट साहब एक मिनट नहीं स्लो हुए, उन्होंने कहा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यार अगर तो करना ना नशा, प्रॉपर नशा हलाल, तो आप चुप करके यहाँ पे आ जाएं। और इफ यू आर अ फूड लवर, मीट लवर, गोश्त खाते हैं आप, रोश रूश आपको पसंद है, पूरे पाकिस्तान के आप खाने खा लें, यहाँ नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है, नामुकम्मल है ये जस्तजू। वाजिब है इसकी तारीफ़ करना, इसीलिए मैं इतने दिल से कर रहा हूँ। आपको पता है कभी कभी फूड व्लॉग्स बना लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर देखता हूँ चीज़ों के बारे में, बड़ा पिकी हूँ। ये जगह डिज़र्व करती है कि इसको सलामी के अल्फाज में तारीफ़ की जाए, और खाना वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हर बंदे के जो रिमार्क्स थे वो इतने खाने के बारे में वो जज्बाती रोमांटिक थे कि आप सुने तो आपको लगेगा टू गुड टू बी ट्रू। हम लाहौर से स्पेशली यहाँ खाना खाने को आने को तैयार है, तो आप इमेजिन करें कि खाने का लेवल क्या होगा। तो अक्सर मैं देखता हूँ ना जब सोशल मीडिया पे नॉर्मल सी चीज़ों को लोग इतना हाइप दे देते हैं, इसके बारे में मैंने मीडिया पे थोड़ा कम देखा। एक मुझे आज भी लगता है कि इतनी पॉपुलर होने के बावजूद भी ये हिडन जगह। अब यहाँ से लेते हैं रुख्सत, हाज साहब को शुक्रिया अदा करते हैं और अब आगे चलते हैं ठंडे होने की तरफ। खाना तो हमने मोस्ट स्पेशल खा लिया, अब आगे जाके ज़रा मौसम ढूंढे स्पेशल।